इको फ्रेंडली गणेशा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। अरे गणेश चतुर्थी तो कल है, तुम लोगों ने आज मूर्ति क्यों लाई? अरे चंचलानी अंकल, गणेश चतुर्थी तो कल है लेकिन कल सुबह जाते ये शाडू मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती, इसीलिए आज ही जाकर हम मूर्ति ले आए। अभी सोसाइटी में मंडप की तैयारी करना भी बाकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। चंचलानी अंकल, आप इस मूर्ति को क्लब हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, तब तक हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मूर्ति तो इको फ्रेंडली लाई लेकिन इको फ्रेंडली डेकोरेशन कैसे करोगे? इसीलिए तो हमने सुखविंदर अंकल को बुलाया है। सुखविंदर अंकल हमें व्हाइट कपड़ों से हिमालय की प्रतिमा बनाकर देने वाले हैं, और सुरेश अंकल उसके पीछे भगवान शंकर और माता पार्वती का चित्र मिट्टी के रंगों से निकाल कर देने वाले हैं। अरे वाह, मतलब इस बार हिमालय का डेकोरेशन करना है। हाँ, सोसाइटी का गणेश तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेट करेंगे, और वो भी इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ, इको फ्रेंडली गणेशा। चलो चलो बंटी और राजू, तुम सुखविंदर अंकल, सुरेश अंकल को बुलाकर लाओ, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। इसी तरह सुखविंदर अंकल, चंचलानी अंकल और सुरेश अंकल सभी ने मिलकर बच्चों की डेकोरेशन में हेल्प की। डेकोरेशन करते करते बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए गट्टू और चिंकी की मम्मी और दादी उनके लिए भोजन लेकर आए। उन्हें आता हुआ देखकर सारे बड़े लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। चलो बच्चों जल्दी से कुछ खा लो, बहुत थक गए होंगे ना तुम लोग। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। मुझे तो पता ही था तुम लोग डेकोरेशन के चक्कर में खाना भूल जाओगे, इसीलिए मैं टिफिन लेकर यहाँ आ गई। अब डेकोरेशन रहने दो, पहले खाना खा लो। माँ जी मैं चलती हूँ, आप बच्चों के साथ रुको, मैं घर के डेकोरेशन को देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए, खाना भी हो गया और डेकोरेशन करते करते बच्चे वहीं क्लब हाउस में सो गए थे। रात भी हो गई थी इसलिए दादी ने भी रजाई डालकर बच्चों को वहीं अच्छे से सुला दिया और वो भी वहीं सो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, गट्टू चिंकी, अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है, मुझे सोने दो। हाँ गणेशा। हाँ मैं हूँ तुम्हारा दोस्त गणेशा। अरे गट्टू जल्दी उठ, खुद गणेश जी हमसे मिलने आए हैं। गणेशा आप हमें मिलने? हाँ, तुम बच्चों की भक्ति भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया और इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। मम्मी कहती है भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे इस इनोसेंस को देखकर और खुश हो गया, इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आओगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते ही भगवान गणेश जी वहां से गायब हो गए और गट्टू और चिंकी को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार अपनी आंखों को पोंछते हुए वो एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुझे भी वही दिखा जो मुझे दिखा? तुम्हें भी गणेश जी दिखाई दिए, अभी अभी सचमुच गणेश जी यहाँ थे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से पूछ ही रहे थे तभी अचानक पापा क्लब हाउस में आए और कहने लगे, चलो बच्चों सुबह हो गई, जल्दी से घर जाकर तैयारी करो और फिर से क्लब हाउस आना। हाँ फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। दादी जी आपको पता है यहाँ अभी गणेश जी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। कुछ भी क्या बोल रहे हो, गट्टू चिंकी गणेश जी तो मूर्ति में होते हैं, वो सचमुच में कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ गणेश जी सचमुच में नहीं आ सकते। गट्टू और चिंकी के बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, सभी लोग तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तब तक सभी बड़े लोगों ने मिलकर बचा कुचा डेकोरेशन पूरा कर लिया, सारे लाइट्स लगा दिए गए, सारे लोग स्थापना के लिए तैयार होकर आ गए। अब बारी थी आरती की। ओम जय जय
माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। उस दिन सोसाइटी में बहुत हंगामा रहा। बैंड बाजा पर गट्टू चिंकी और उसके सारे दोस्त बहुत नाचे। दूसरे दिन सोसाइटी में नींबू चम्मच कंपटीशन अरेंज किया हुआ था। फिर क्या था, गट्टू चिंकी, हरी बंटी और पिंकी सारे लोग निकल पड़े अपना चम्मच और नींबू लेकर। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। कभी गट्टू आगे रहता था तो कभी पिंकी, कभी गट्टू, कभी पिंकी। ऐसा करते करते आखिरकार पिंकी ने ये रेस जीत ली। याहू, मैं जीत गई। चलो अब सारे बड़े लोग लाइन में लग जाओ। अरे बाबा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। चलो चलो शुरू हो जाओ। शर्मा अंकल जल्दी आगे आ जाओ। सुरेश अंकल, सुखविंदर अंकल, पापा आओ ना जल्दी। अरे हाँ हाँ बच्चों, रुको, आ रहे हैं। फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर नींबू चम्मच कंपटीशन का बहुत आनंद लिया और जैसे तैसे अपने नींबू को बचाते हुए सुखविंदर अंकल इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गए और अपने पंजाबी तड़के का डांस करने लगे। ओए मैं जीत गया, ओए होए 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 जीत गया। उन्हें नाचता हुआ देखकर सारे बच्चे भी उनके साथ नाचने लगे। दूसरे दिन पोटैटो रेस थी। आज तो देखना, आज तो मैं ही जीतूंगा। बंटी ध्यान रहे, हम लड़कियां कम है लेकिन कल भी लड़की ही जीती है और पूरे 10 दिन के गेम्स में लड़कियां ही जीतेंगी। चलो चलो बच्चों, झगड़ा बंद करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे गोनी में अपना पैर डालकर रेस के लिए रेडी हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चों ने जंप करना शुरू किया। अरे लेकिन ये क्या, बंटी तो गिर गया। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। ओए माँ, जोर से लगी। क्यों बंटी के बच्चे, उस दिन मुझे बारिश में जोर से धड़ाम करके गिराया था, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना, अब कैसा लग रहा है? दोनों के झगड़े में गट्टू को सामने गणेशा दिखाई दिए और गणेशा की ओर जोर जोर से जंप मारते हुए गट्टू रेस कंप्लीट कर लिया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन गट्टू के वहाँ पहुँचने से पहले गणेशा वहाँ से गायब हो गए। अरे गणेशा कहाँ चले गए, अभी अभी तो यहीं थे। क्या हुआ गट्टू, तुझे फिर से गणेशा दिखाई दिए? हाँ चिंकी। इसका मतलब है कि गणेशा चाहते हैं कि तू जिंदगी के हर एक रेस में फर्स्ट आए। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू और चिंकी ने पूरे भक्ति भाव से गणेशा की मूर्ति को हाथ जोड़े और पूरी दुनिया के भलाई का आशीर्वाद मांगा। सपना हो या सच, लेकिन गणेश जी ने गट्टू चिंकी को आशीर्वाद दिया, ये बात तो सच है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान से बिना कोई अपेक्षा रखते हुए पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।